देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। पूरे प्रदेश में आज राज्य निर्माण के 21वें वर्ष गांठ बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जननी खटीमा में भी राज निर्माण की वर्ष गांठ को शहीदों को याद कर मनाया गया। साथ ही खटीमा रेलवे स्टेशन के पास स्थित शहीद पार्क में नानकमत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम खटीमा निर्मला बिष्ट खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए सातों शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं राज्य निर्माण की 21वीं वर्षगांठ के मौके पर नानकमत्ता से बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा ने सर्वप्रथम जहां शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर राज्य निर्माण में उनकी शहादत को याद किया, वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरा राज्य निर्माण की 21वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर सर्वप्रथम हमें उन शहीदों को भी याद करना चाहिए जिनकी बदौलत हमें यह राज्य मिला है, और खटीमा इस राज्य आंदोलन की जननी रही है। और यहाँ राज्य निर्माण के लिए सब पहले सात युवाओं ने अपनी जान दी थी, जिसके फलस्वरूप हमें यह राज्य मिला। हमारी सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि राज्य को शहीदों की इच्छाओं के अनुरूप बनाया जा सके और राज्य का पानी और जवानी राज्य के ही काम आ सके। नवंबर को हमारा स्थापना दिवस, उत्तराखंड का स्थापना दिवस हुआ था, और 9 नवंबर की शहादत को हमारे जितने शहीद योद्धा लोगों ने उत्तराखंड की मांग के लिए एक विशेष आंदोलन छेड़ा था, और उस आंदोलन के तहत हमें सफलता भी मिली है। आज उत्तराखंड बने 21 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उत्तराखंड के लिए हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय भी है कि आपके बदौलत ये उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, विकास की धारा से जुड़ चुका है। और निश्चित तौर पर इनकी श्रद्धांजलि को पुष्प अर्पित करते हुए मैं बहुत इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।